वो दुष्ट मानो भविष्यवाणी के लिए उस लाचार को किस बुरी तरह से मार रहे हैं। मारने दो। अच्छा चल चल, बोल बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना छोकरा, उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो सवर्ना पैलेस डिसाइड किया। वो सीक्रेट तुम मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम उस घर की बहू बनकर वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। जल्दी आना। ओके सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा तो वो किताब मुझे दो ना। शट अप। लेकिन सूरज, डोंट टॉक। बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? मैं ये राज सीख कर आई हूँ छोटा रावण, कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ। छोटे बाबू। क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है। काहे को टेंशन लेता है? क्या होगा? कुछ ना ही होगा, सिर्फ बांधा ही तो है तेरी माँ को। पहले ये बता कि स्वर्णा पैलेस कैसे डिसाइड किया तू? नहीं, मेरी जान भी चली जाए मैं वो राज नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं उगलवा लूंगा। सब बताता हूँ। बताओ। मेरे पास एक किताब है, उसमें सबका भविष्य लिखा है। हाँ? और उसी की मदद से मैं करोड़पति बना हूँ। अच्छा, तो जल्दी से वो किताब हमका डिसाइड कर। बोला ना, अभी जाकर लाता हूँ। हाँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। आओ छोटे, अब तो तुमको भविष्यवाणी निकालनी ही पड़ेगी। और जैसे ही तुम वो पुस्तक निकालोगे, हम तुमसे वो पुस्तक छीन लेंगे। अवश्य छीन लेंगे।